गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फरीसर क्लासेस। टुडे वी डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मटेरियल साइंस। तो आज हम लोग बात करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी में जो जो टर्म हमारा एसोसिएटेड होती है, यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, स्पेशलिटीज क्या होता है, सबके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट क्रिस्टल। जैसा कि मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में, तो क्रिस्टल क्या होता है, सिंपल सा एक सॉलिड होता है जिसका क्या हमारा कुछ एटम से मिलकर बने होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं, कोई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस मॉलिक्यूल से हमारा क्या होता है, अरेंज होता है प्रॉपर मैनर में हमारा अरेंज होता है। ठीक है, वो 3D पैटर्न में हमारा क्या होता है, सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया रहता है। वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हमारा उसका पैटर्न रिपीटेड होता है, रिपीटेड 3D पैटर्न होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल का प्रॉपर्टी उसके बारे में स्टडी करते हैं, BCC है, FCC है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है। ठीक है, तो मैंने बात पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज फिर उसके बारे में अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर इम्प्लाइज द अरेंजमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ द एटम्स विद इन ए क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में हमारा जो अरेंजमेंट है, एक रेगुलर मैनर में है, इरेगुलर मैनर में है। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर सिंपल स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या वाला था, सिंपल से एक लाइन में याद करें तो क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल का क्या कह देंगे हम लोग, स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, द टर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंडिकेट द कम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लेटिस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम्स होता है, जो हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है, मोनोक्लिनिक, ठीक है, ये सारे जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स और ब्रेविस लेटिस का कंबाइन हम लोग जो स्टडी करते हैं वो कहलाता है हमारा क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है स्पेशलेटिस। स्पेशलेटिस क्या होता है फ्रेंड्स, द एटम्स अरेंज देमसेल्फ इन डिस्टिंक्ट पैटर्न इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेशलेटिस। तो स्पेशलेटिस क्या होता है, जो हमारा अरेंजमेंट है, हमारा जो अलग अलग 3D पैटर्न में, हमारा जो 3D पैटर्न में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, जिसके क्या है, हाइट भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो। तो मान लीजिए हमारा ये एक हमारा यूनिट सेल है, यूनिट सेल का क्या है, कुछ हाइट भी है, कुछ लेंथ भी है, कुछ ब्रेथ भी है, ABC। तो ये इसका जो अरेंजमेंट है, रिपीटिंग अरेंजमेंट, मान लीजिए 3D हम मान ले रहे हैं, ये हमारा 3D पैटर्न है। ठीक है, तो एक एटम यहाँ पे भी होगा, इसका एटम रिपीटिंग पैटर्न होगा, तो ये रिपीटिंग पैटर्न जो है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा स्पेस लेटिस का जो अरेंजमेंट है, जो पॉइंट है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो हमारा 3D का एक सॉलिड बन रहा है, तो हर पॉइंट पर इसका कुछ होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैनर पर अरेंज होगा, तो ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल रिपीटिंग करेगा। ठीक है, तो हर पैटर्न का जो अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेस लेटिस। ठीक है, इसी तरह ये नीचे भी आएगा। ठीक, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट होता है 3D में कोई भी मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का या आयंस का, इसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा स्पेस लेटिस। ठीक है फ्रेंड्स, अरेंजमेंट सिंपली हमारा क्या कहलाता है, उसका लेटिस, स्पेस लेटिस। जैसा स्पेस का मतलब क्या, उसका गैप कितने गैप पे है, मान लीजिए एक एम एम पे है, तो दूसरा भी 1 mm पे होगा, तीसरा भी 1 mm पे होगा, तो स्पेस पे हमारा क्या मॉलिक्यूल्स अरेंज है, तो स्पेस लेटिस हमारा कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ 3D नेटवर्क ऑफ पॉइंट इन स्पेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट लेटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लेटिस भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर एक पॉइंट में हमारा जो एटम्स होता है, ये क्या एटम्स कैसे ही पॉइंट हो सकता है, आयंस हो सकता है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट लेटिस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो हमारा कोई भी 3D नेटवर्क, जो हमारा सॉलिड होता है, जो बनता है सॉलिड, तो उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक, तो एक पार्टिकल को अगर हम उठा के देखें सिंपल सा, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट सेल कहलाएगा, ये हमारा इधर भी है, इधर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूनिट सेल कहलाएगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एटम्स और एनी सिस्टम्स इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम पोजिंग द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, तो उसको बोलेंगे यूनिट सेल। इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट
रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एटम विच वेन रिपीटेड इन ऑल क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। तो जब हम इन्फिनाइट टाइम पर यह रिपीट होता है, यह सिंपल सा यूनिट सेल हमारा जब रिपीट होता है तो क्या बनाता है, हमारा एक ग्रुप ऑफ एटम बनाता है, फिर हमारा क्या कहता है क्रिस्टल का लैटिस बनाता है, फिर जाकर हमारा एक क्रिस्टल बनाता है, फिर जाकर एक सॉलिड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्पेस लैटिस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए। And unit cells. Consider a crystal. We know that the main characteristic of crystalline solids is its regular and repeating pattern of constituent particles. Now, when we replace these particles with representative points, a crystal lattice is obtained. Crystal lattice is defined as the three-dimensional arrangement of constituent particles, represented diagrammatically such that each particle is depicted as a point. Such an arrangement is known as crystal lattice. There are 14 possible three-dimensional lattices known to us. These lattices are named after the French mathematician who first... So, our crystal lattice, if we talk about friends, okay? तो हमारा 14 पॉसिबल हो सकता है डायमेंशनल में क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, हर एक पॉइंट में हमारे ब्रेविस लैटिस का, जैसे मैंने बताया 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेविस लैटिस का बताया था। तो ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम का रिपीटिंग पैटर्न होता है 3D डायमेंशन में। Thus, they are known as Bravias lattices. In addition to simple lattices for other systems, it is observed that there are 14 different types of space lattices. These are known as 14 Bravias lattices. These lattices were given name after the French mathematician who first described them. Now we know what is a crystal lattice. Let us study some of its characteristics. Each point in a crystal lattice is called lattice point or lattice site. Each point in a crystal lattice represents one constituent particle, which may be. हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या, हर एक पॉइंट क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, जिससे हमारा मिलकर बना हुआ ये ऑपरेटर जो देख रहे हैं, ये का लैटिस पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन, lattice points are joined together by straight lines to bring out the geometry of a crystal lattice. Ye point hamare kaam karta hai, ayan ho sakta hai, kam ho sakta hai. There is a small group of lattice points that repeats itself again and again to form an entire crystal lattice. This small group of lattice points is known as unit cell. Thus, unit cell is the smallest portion of a crystal lattice. When repeated in different directions, generates the entire lattice. A unit cell is represented by three edges, A, B, and C, represented along x, y, and z axis of a three-dimensional entity. And these edges may or may not be mutually perpendicular to each other. When these edges join, they form certain angles. They are represented as alpha, beta, and gamma. The angle between edges B and C is alpha. The angle between A and C is beta. And the angle between A and B is gamma. Thus, a unit cell is characterized by six parameters. A, B, C, alpha, beta, and gamma. So I hope friends, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, और फीडबैक जरूर दें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।